सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम रोटरी हैमर ड्रिल को कैसे हम नॉर्मल ड्रिल बना सकते हैं और उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ। सो यही वीडियो आज मैं उसी टॉपिक पर लेकर आया हूँ। आपने जैसे कि थंबनेल देख के पता चला लिया होगा। सो इसके अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि रोटरी हैमर ड्रिल को हम कैसे नॉर्मल ड्रिल बना सकते हैं और किसकी मदद से बना सकते हैं और क्या क्या टूल्स लेने होंगे और वो टूल्स कितने प्राइस के आएंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। सो वीडियो को जो है जिस तरह से अभी आप देख रहे हो उसी तरह तक एंडिंग तक वीडियो को देखिएगा, आपको सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो वीडियो को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। हे गाइस, हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयूर एंड यू वाचिंग टच पावर ब्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताता हूँ कि रोटरी हैमर ड्रिल को कैसे हम नॉर्मल ड्रिल मशीन बना सकते हैं और किसकी मदद से बना सकते हैं और क्या क्या टूल्स लेने हैं आपको। तो मैं आपको टूल्स दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मशीन, जिस मशीन की मदद से आप होल कर सकते हो। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये चक। और ये चक जो है याद रखना कि 13 mm का ही आपको लेना है, 13 mm का ही चक यूज़ होने वाला है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये अटैचमेंट। इस अटैचमेंट की मदद से आप चक को टाइट कर सकते हो। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर एक और बेनिफिट भी आपको देखने को मिलता था, जिसकी मदद से आप स्क्रू भी टाइट कर सकते हो। सो अभी आपको पता ही है कि स्क्रू टाइट करते समय आपके मशीन में कंट्रोल होना चाहिए, जो कि स्लो टू फास्ट, आप जिस हिसाब से मशीन को चलाते हो उस हिसाब से मशीन चलनी चाहिए। सो ये फंक्शन आपको रोटरी हैमर ड्रिल के अंदर देखने को मिल जाता है। तो उसकी मदद से आप स्क्रू भी टाइट कर सकते हो। और कितना टाइम लगता है इसको सेटअप करने में और प्राइस की बात की जाए तो प्राइस मैं आपको वीडियो के बीच में बताने वाला हूँ चक और अटैचमेंट की। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं कभी भी बता सकता हूँ, इस वीडियो में मैं यूज़ भी करने वाला हूँ। सो देखिए, मज़ा आएगा। वीडियो को कर दो लाइक और चैनल पे नए तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कंटिन्यू करते। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, मशीन को सेटअप करने से पहले मैंने सोचा कि आपको बता देता हूँ कि मेरे पास कितने तरीके के बिट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको एक एक करके सब बताता हूँ। ये वाला जो है ये वाला कंक्रीट के लिए है, जो कि लॉक वाला है, रोटरी हैमर के लिए स्पेशल है। और ये वाला जो है ये वाला वुड और मेटल के लिए स्पेशल है। आप देख सकते हो ये वाला लॉक वाला नहीं है, ये वाला 316 है। और ये वाला जो है ये प्लस और माइनस स्क्रू टाइट करने के लिए है। ये वाला जो है ये 1/8 का है, ये भी वुड और मेटल के लिए स्पेशल है। और ये वाला एक मेरे पास और है जो प्लस स्क्रू टाइट करने के लिए है। इसमें से कुछ बीट मैं आपको यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। तो अभी मैं बीट को जो है साइड में रख लेता हूँ, अभी हम पहले सेटअप कर लेते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सेटअप करने के लिए आपको चाहिए क्या रहता है। एक तो है अटैचमेंट और दूसरा है ये चक और ये मशीन। तो ये तीन चीज़ आपके पास होनी चाहिए। तो अभी मशीन को हाल फिलहाल मैं साइड रखता हूँ और चक को मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो चक के साथ ये की आती है, टाइट करने के लिए रहती है, आपको पता ही रहेगा। और ये है अटैचमेंट, अटैचमेंट को भी मैं खोल लेता हूँ। तो आप देख सकते हो ये अटैचमेंट है और ये अटैचमेंट के अंदर आपको स्क्रू देखने को मिल जाता है। तो स्क्रू को खोलने के बाद कुछ इस तरह से आपको अटैचमेंट नज़र आएगा। ये वाला जो अटैचमेंट है इसको मशीन में हम सेट करते हैं कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हो ये सेट हो गया, इसके ऊपर ये आपको चक जो है सेट करना होगा। तो चक जो है वो सेट हो गया है और अभी उसके अंदर आपको ये जो स्क्रू है, ये वाला स्क्रू उसके अंदर सेट करना है आपको। उसके लिए आपको लगेगा स्क्रू ड्राइवर। जो इसके अंदर स्क्रू था वो अभी टाइट हो चुका है। इसके अलावा आप कोई भी बीट लगा सकते हो। अभी आप समझो 316 वाला बीट है तो ये भी आप लगा सकते हो। और ये आपके पास जो की रहेगी इससे आप इस बिट को टाइट कर सकते हो। तो आपका बिट जो है टाइट हो चुका है। और अभी मैं इसको चला के दिखाता हूँ कि किस तरह से, देखो आउट है कि नहीं, आउटनेस वाला आपको कुछ फील होता है या नहीं। बट हाँ, इसको हैमर पे नहीं चलाना, हैमर पे चलाओगे तो आपका बीट जो है टूटने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। इसके अंदर आप ऐसे ही कई सारे बीट लगा सकते हो। अभी मैं आपको और इससे छोटा पतला बीट लगा के दिखाता हूँ। तो है ना गाइस, एकदम इंटरेस्टिंग सा। स्टील में या वुड में आप इससे होल्ड कर सकते हो, इतना पतला बीट भी जो है लग सकता है इसके अंदर इजीली से। आपको स्क्रू टाइट करने का भी बीट दिखा देता हूँ।
और मैं बोल रहा था कि आपको स्क्रू टाइट करने के लिए आपके मशीन में कंट्रोल होना चाहिए। अब तो अभी आप देखो इसको, आप धीरे धीरे चलाओगे तो धीरे धीरे भी ये चलेगी मशीन, आप देख सकते हो जैसे दबाओगे वैसे चलेगी। सो है ना इंटरेस्टिंग सी बात, आपको कितने तरीके के आप बीट लगा सकते हो। तो ये वाला जो बीट है वो सेट हो चुका है, अभी हम इसको वुड में यूज करके देखते हैं। तो चलते हैं अभी अगली लोकेशन पे। तो अभी आपने देखा कि मैंने वुड वाले बीट से कैसे वुड में होल किया। सो अभी मैं इसको स्क्रू वाला बीट लगाता हूँ स्क्रू टाइट करने के लिए। सेट करने के बाद मैं डायरेक्ट स्क्रू टाइट करते समय मिल जाए, तब तक आप शॉर्ट्स एंजॉय कीजिए। सो फ्रेंड्स वीडियो में बताने के लिए कुछ इतना ही था, और अब बात आती है प्राइस की। तो यहाँ पर 200 रुपीज़ के अंदर आपको चक और अटैचमेंट दोनों मिल जाएगा। और अब बात आती है मशीन की, तो यहाँ पर मैंने मशीन के ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। बीट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको ज़रूरत के हिसाब से जो भी आपको यूज़ होएगा बीट वो आप अपने हिसाब से लीजिएगा ज़रूर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, व्हाट्सअप फेसबुक जितना हो सके शेयर करो, और चैनल पे नए तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले आ सके। कमेंट कीजिए गाइज, और भी आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।